Uff, yeah, attitude. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए, बच्चे लोग ने बहुत परेशान कर रहे थे कि अम्मी कुछ अच्छे से मीठा, अम्मी कुछ अच्छा बनाइए। तो मैं सोची अब क्या बनाऊँ, बाहर से मंगाने का तो कुछ टाइम नहीं था, बोले जल्दी बनाइए अम्मी करके। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या करी, घर में जो रखा हुआ सामान था उससे ही बनाने लगी। घर में दो ऐसा केले रखे हुए थे पके हुए, तो मैंने इसको छिलकर एक बाटी में रखी, मिली चलो इससे मीठे गुलगुले बन सकते हैं तो मैं वही बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने दो केले ली हूँ अच्छे पके हुए, और एक बाटी मैंने गेहूँ का आटा ली हूँ, और यहाँ पर आधी बाटी शक्कर है। शक्कर के जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आधी मतलब जो आधा स्पून होता है ना, टी स्पून, मैंने सौंफ का पाउडर ली है। और यहाँ पर दो चुटकी मैंने मीठा सोडा यूज़ की हूँ, जो हम भजियों में डालते हैं। और यहाँ पर तीन से चार इलायची के दाने ली हूँ मैं, उसको अच्छे से कूट कर रखी हूँ। तो अब मैं देखूंगी शक्कर कितना लगता है, अगर और मुझे ऐसा लगा कि शक्कर इसमें और लग सकती है तो मैं इसमें और एक थोड़ी शक्कर ऐड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में दो केले जो मैंने निकाल के रखी थी वो डाली हूँ, और मैं चम्मच स्पून से, यानी कि मैं इसमें ट्राई कर रही थी कि मैश कर सकूँ, तो ये केले हैं और वो भी पके हुए हैं तो ये पिसल रहे थे बार बार। तो फिर मैंने क्या करी, दूसरा चम्मच ली लेकर उसको एकदम मैश करने लगी। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इससे इसको अच्छे से मैश कर ली हूँ, और केले को इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े रखेंगे। जब हम गुलगुले बनाते हैं ना, तो इसमें ये ऐसे ही आते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पर देखिए, इलायची मैंने डाल ली हूँ, जो इलायची के दाने मैंने निकाल के रखी थी, सौंफ का पाउडर डाल दी। और यहाँ पर गेहूँ, शक्कर जो भी रखी थी मैंने, गेहूँ का आटा, वो सब इसमें डाल देंगे। पहले मैंने शक्कर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब गेहूँ का आटा मिक्स कर ली हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए मेरे को शक्कर ऐसा लगा कि कम होगी इसमें, तो मैंने और 2 टेबल स्पून मैंने शक्कर इसमें ऐड की, मीठा सोडा भी डाल दी जो मैंने रखी थी निकाल के। बाटी को अच्छे से साफ़ करके डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने पानी डाली हूँ। ये देखिए, 2 से 3 टेबल स्पून उतना मैंने पानी डाली हूँ, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे। इसमें मैश तो मैंने केले को कर ली थी, अब बस ये आटे को मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम हमारे हिसाब से करेंगे। आप कितना सामान इसमें, मतलब कितने आटे से आप बना रहे हो, कितने केले यूज़ कर रहे हो, वो हिसाब से आपको इसमें सब सामान डालना होता है। तो मैंने सिर्फ एक बाटी आटे से मैंने बनाई हूँ बस। अब इसको भी अच्छे से हम सब साफ़ कर लेंगे, जिससे हम मैश कर रहे हैं, यानी कि मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये बैटर बन के तैयार हो गया है। ढक्कन ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल डाल के, ताकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए, मैंने 10 से 15 मिनट ही रखी हूँ, क्योंकि इसमें शक्कर जो होती है थोड़ा मेल्ट होना ज़रूरी है इसमें। तो मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा ऐसे मिक्स करने लगी, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा इसका बैटर ना पतला लगने लगा, तो मैंने थोड़ा सा और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने गेहूँ का आटा इसमें मिक्स की हूँ। आपको इसमें केले के टुकड़े नज़र आ रहे होंगे ना, तो बस ऐसे इसी तरीके से हमको डालना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, ये देखिए,
तेल को चेक कर रही हूँ कि कितना गर्म हुआ है तेल हमारा। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तेल को अच्छे से गर्म करना है, फिर लो फ्लेम पे हम गुलगुलों को फ्राई करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गुलगुले हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी भी मेरा ये, मैंने इसमें मिक्स नहीं की थी आटा, अभी मैं इसमें मिक्स करके आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा मिक्स और कर ली थी, जैसे कि मैंने आपको आगे बोली हूँ कि इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून आटा गेहूँ का और मिक्स किया। तो इस तरीके से हमारा बैटर बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम हाथ की मदद से इसमें डालेंगे तेल में। तो तेल हमारा ये लो फ्लेम पे ही रखना है। ये देख सकते हैं तेल की अच्छे से गर्म होने से हमारा ये जो गुलगुले हैं अच्छे से फ्राई होके ऊपर आने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें जितने आ सकते हैं गुलगुले उतने हम तेल में डाल देंगे, और जब तक कि ये गुलगुलों में अपने आप से एक कलर आ जाएगा ना, तब हम चम्मच इसमें यूज़ करेंगे, नहीं तो चम्मच से ये चिटक भी जा सकता है। ये देखिए अब यहाँ पर हल्का हल्का कलर आ चुका है ना, तो मैं जब चम्मच इसको लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से गोल्डन कलर इसमें आना है। अगर जब आप गुड़ यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें एकदम डार्क कलर आता है, वो मतलब उसमें डरने की कोई बात नहीं, गुड़ यूज़ करेंगे भी ना तो बहुत अच्छा, शक्कर से अच्छा तो गुड़ ही होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या है, जल्दी जल्दी बनाना था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर शक्कर यूज़ कर रही हूँ। आप गुड़ के भी गुलगुले बहुत अच्छे बनते हैं। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके ना देखिए। तो अब मैं ये गुलगुले हमारे फ्राई हो चुके थे, कलर इतना बहुत अच्छा आ गया है इसमें, तो निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए अब दूसरी डिप में भी हम उसी तरीके से डाल देंगे तेल में, थोड़ा थोड़ा सा करके ये जो बैटर बना हुआ है। तो ये जो हमने सेकंड बार भी इसमें डाल दिए थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे गुलगुले। और मेरे इफ्रा खान चैनल पे आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और लाइक तो ज़रूर करिएगा। और इसकी खुशबू तो इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही थी ना, पूरा घर महक उठी थी ये खुशबू से, इतनी बेहतरीन ये गुलगुले बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पर पूरे तैयार हो गए थे हमारे गुलगुले, तो मैंने एक प्लेट में निकाल कर यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ अंदर, देखिए केले के जो गुलगुले होते हैं वो कितना अच्छा कलर आया, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये आप इसको, आपको ऐसा लगेगा कि ये आटा कच्चा है, जी नहीं ये कच्चा नहीं है, ये एकदम पका हुआ है। और ये जो हमने केला डालकर बनाया ना, तो उस तरीके से अब ये फजल आपको बताएगा। बहुत अच्छा है, टेस्टी है, एकदम मज़ेदार, क्रिस्पी है, और केले का फ्लेवर बहुत टेस्टी है।
और फिर मैं नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अभी बना के खाओ, मजा आएंगी।